सिंप्लीफाई स्क्वेयर रूट ऑफ 6 माइनस 4 रूट 2। हमें फाइंड करना है स्क्वेयर रूट ऑफ 6 माइनस 4 रूट 2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो 6 माइनस 4 रूट 2 को एक परफेक्ट स्क्वेयर की फॉर्म में ले आएंगे। परफेक्ट स्क्वेयर मीन्स स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर, और उसका स्क्वेयर रूट देन वी कैन फाइंड ईजली। सो परफेक्ट स्क्वेयर की फॉर्म में लाने के लिए वी कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटीज डिपेंड करती हैं साइन ऑफ द ऑपरेशन में। अगर इधर माइनस का साइन है तो वी विल यूज ए माइनस बी होल स्क्वेयर आइडेंटिटी, और हम इसको ए माइनस बी होल स्क्वेयर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। एज वी हैव माइनस साइन हियर, वी विल यूज ए माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। सो हाउ टू प्रोसीड, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक साइन बना रहा हूँ स्क्वेयर रूट का, और यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ ब्लैंक और एक स्क्वेयर जहाँ पर ए की वैल्यू आएगी। लाइक इधर हमारे पास ए स्क्वेयर है तो इधर भी ए स्क्वेयर बन जाएगा ये। देन प्लस एक अनदर ब्लैंक और यहाँ पर स्क्वेयर, और यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी, सो वी विल गेट बी स्क्वेयर एज होल हियर। देन एज वी हैव माइनस साइन हियर, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ माइनस टू इंटू ए इंटू बी हियर। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा टू मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय अनदर ब्लैंक। तो फर्स्ट ब्लैंक में ए की वैल्यू, सेकेंड ब्लैंक में बी की वैल्यू। तो अगर ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी की फॉर्म में आ जाता है तो फाइनली हमारा जो परफेक्ट स्क्वेयर क्या बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वेयर। दैट इज अगर मैं इधर एक ब्लैंक लिखूँ माइनस अनदर ब्लैंक होल स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट क्या होगा, क्योंकि लाइक एक्स स्क्वेयर हमारा होता है एक्स, सो सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वेयर होगा ए माइनस बी, सो दैट विल बी आवर आंसर। बट अब इन ब्लैंक्स में ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स प्रोसीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। फॉर इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये क्वेश्चन का फोर रूट टू वाला पार्ट है ना, ये रेडिकल वाला पार्ट जहाँ पर रूट का रूट है हमारे पास, तो उसको हम इसके आइडेंटिटी के टू ए बी वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे। सो इधर मैंने लिखा आइडेंटिटी टू ए बी, आइडेंटिटी का टू ए बी वाला पार्ट इक्वल टू फोर रूट टू। ओके नाउ यू विल सी ये टू और फोर ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आया ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू टू रूट टू। टू रूट टू को हम टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू भी लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको ध्यान से कंपेयर करें इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो हम देखेंगे ए की जगह इधर टू है, ए इज इक्वल टू टू है, और बी की जगह रूट टू है। सो बी इज इक्वल टू रूट टू। सो वट नाउ वी हैव गेट द गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक में मैंने कहा था ए स्क्वेयर आएगा तो यहाँ पर ये बन गया टू स्क्वेयर। सेकेंड ब्लैंक में मैंने कहा था बी आएगा तो यहाँ आएगा रूट टू एंड इट वुड बिकम रूट टू होल स्क्वेयर। एंड हियर वी हैव ए इंटू बी, सो वट इज ए इज टू एंड बी इज रूट टू। सो से अब इधर भी ए माइनस बी होल स्क्वेयर फॉर्म में लाना था, ये एज वी हैव अप्लाइड दिस आइडेंटिटी तो इधर ए माइनस बी होल स्क्वेयर होगा। वट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज टू, एंड वट इज द वैल्यू ऑफ बी, इट इज रूट टू। सो फाइनली एज आई टोल्ड यू रूट एक्स स्क्वेयर एक्स होता है, सो टू माइनस रूट टू का होल स्क्वेयर टू माइनस रूट टू होगा, विच इज अवर आंसर।